दिवाली के बाद तारीख दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, नकुलनाथ जी को वो लॉन्च करना चाहते हैं, वो कहें कह सकते हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन अभी एक का भी 2 लाख माफ क्यों नहीं किया? 10 दिन की बात करी थी आपके नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय के, कि 10 दिन में नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे, तो एक आध का तो कर देते 15 महीने में, एक का भी नहीं किया। अब पछताए का होते, चिड़िया चुग गई खेत। माननीय शास्त्री जी, पूज्य बापू की, पूज्य शास्त्री जी की आज जन्मदिन पर उनको नमन, जय जवान जय किसान का निरंतर नारा देने वाले, अहिंसा परमो धर्म करने वाले, इन सब को मानने वाले, इस मार्ग पर चलने वाले दोनों ही हमारे महापुरुषों के चरणों में नमन। रोल सर। सर, कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि मेरी सरकार गिराई, मेरा कसूर क्या था? गिराई तो उनने खुद ने, वो संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गई, इसलिए कसूर तो अपने आप से पूछे। सर, 28 विधानसभाओं के लिए वचन पत्र? वचन पत्र नहीं, वो कपट पत्र है। अभी विधानसभाओं को जारी करें, बाढ़ चुनाव में फिर ये बाढ़ों को जारी करेंगे, फिर मोहल्ले का, फिर बस्ती का, फिर घर तक आएंगे ये, क्योंकि इनको मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव में इनने वचन पत्र जारी किया था वो कपट पत्र निकला। एक भी किसान का 2 लाख माफ नहीं हुआ, एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं मिली, एक अतिथि विद्वान एक भी परमानेंट नहीं किया, तो वो पूरा का पूरा लिखित में झूठ बोल के झूठ का पुलंदा बनाया, तो जनता ये सब समझ गई है। कमलनाथ जी ग्वालियर गए तब तो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर भी नहीं गए, और आज तक रानी लक्ष्मीबाई की कहीं प्रतिमा पर नहीं गए। चुनाव के वक्त इनको ऐसा क्यों याद आता है? चुनाव इतिहास जानने से पहले कांग्रेस का भूगोल तो देख लो कमलनाथ जी, क्या स्थिति हो गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस पार्टी का राज था उसका भूगोल ही बिगड़ गया पूरा, कुछ राज्यों में सिमट गई है, और आने वाले दिनों में तो ढूंढते रह जाओगे। कपिल सिब्बल जी।